हम देखें आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है हमें। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब आपके पास इस तरीके से माइनस ए टू ए लिमिट दे रखी हो तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज अ इवन फंक्शन और अ ऑड फंक्शन। सो एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर दे रखा है आपको साइन स्क्वायर एक्स। इवन और ऑड चेक करने का तरीका क्या है कि फंक्शन में हम एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, माइनस एक्स पुट कर देते हैं, और यदि ये हो जाता है माइनस एफ एक्स तो फंक्शन होता है ऑड, और यदि माइनस एक्स पुट करें और ये वापस एफ एक्स के ही बराबर आ जाए तो ये बनता है इवन फंक्शन। अब यहां पर देखिए, हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे सो दिस विल बिकम साइन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है माइनस साइन थीटा के, तो अंदर से वैल्यू बन जाएगी माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, बट स्क्वायर इसको क्या बना देगा पॉजिटिव, और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स है आपका एफ एक्स। तो आप ध्यान से देखिए तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया है, एफ एक्स के बराबर आ गया है। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सो एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, सो एफ एक्स इज इवन। और यदि इस तरीके का केस आए माइनस ए टू ए एफ एक्स तो यहां पर हो जाता है टू आगे आएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, और यदि ये ऑड फंक्शन होता तो ये आपका सीधा जीरो के बराबर हो जाता है, आपको कुछ भी यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये इंटीग्रांड जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, यहां पे टू आएगा जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का सीधा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो हम साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा को देखें तो वो बराबर होता है वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस, एंगल का डबल करना है सो कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन करना ईजी है, एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस साइन टू इंटू पाई बाई टू बाई टू माइनस एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस साइन जीरो बाई टू। अब जरा देखिए टू से टू कैंसिल हो गया, यहां पे आया पाई बाई टू और साइन पाई होता है जीरो के बराबर तो माइनस जीरो माइनस ये जीरो एंड साइन जीरो भी किसके बराबर होता है आपका जीरो के बराबर होता है, तो पूरी टर्म जीरो बन रही है, केवल यहां पर क्या बच रहा है आपका पाई बाई टू बच रहा है। तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो क्या होगा आपका पाई बाई टू होगा। तो करना क्या है बेसिकली, आपको पहले आपको फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर वो एक ऑड फंक्शन होता तो सीधा जो इंटीग्रांड है वो जीरो के बराबर हो जाता एंड यहां पर आपका आंसर मिल जाता, बट यदि वो इवन फंक्शन होता है तो ये लिमिट माइनस ए टू ए बन जाती है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और टू यहां पर बाहर आ जाता है, एंड फिर आप इसको इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।